बांदा जिले में जमीनी विवाद को लेकर 19 अगस्त से दिनेश दीक्षित के परिवार क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी सपा नेत्री है, जिसके डर से हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। उस जमीन की रजिस्ट्री 17 जून को दिनेश दीक्षित के नाम हुई थी। कब से रहते हैं यहाँ पे? करीबन जब से रजिस्ट्री हो गई है तब आ गए। ये मकान हमारे बहनोई ने खरीदा था, दिनेश कुमार दीक्षित जो नौसेना में अधिकारी हैं, उन्होंने खरीदा था। 17 जून की इसकी रजिस्ट्री हुई थी। इसके बाद फिर बीच में उन्होंने जुलाई में एक बार अहमदाबाद के गुंडे यहाँ पे आए और उन्होंने कहा धमकी दिया कि मकान खाली करवा। खरीदा मकान किससे था आपने? उसमें नाम पर लक्ष्मी का है, सुराज लक्ष्मी, क्योंकि वही अब वही उसके नाम मकान था, उसे कोई रह नहीं गया। इसकी रजिस्ट्री ये है, फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है, इसको डीएम और एसडीएम ने फ्री होल्ड रजिस्ट्री किया है। इस फ्री होल्ड की रजिस्ट्री की, फ्री होल्ड की जमीन को अपनी ट्रस्ट की जमीन बता करके वो उगाही के लिए काम कर रही है। उनका एक ही काम है, पूरे तरह में अपना ट्रस्ट की जमीन बता करके लोगों से उगाही कर रही है, अपने गुंडों के माध्यम से उगाही कर रही है। 12 अगस्त की घटना है, हमारे मकान के अंदर माता पिता जी रहते हैं, उनके माता पिता रहते हैं। 20-25 लोग आए, तहसीलदार के साथ तहसीलदार जी आए जाँच करने के लिए। उसके बाद 20-25 लोग उनके साथ आ गए, मकान के अंदर घुसे, माता पिता को बाहर कर दिया, अंदर से कड़ी लगा दिया, सभी कमरों के ताले तोड़ डाले। बाद में जब नौसेना के यहाँ से फैक्स आया और मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया, शाम को पब्लिक जमा हो गई पूरी यहाँ पे, तो उन गुंडों को पुलिस ने रात को 8-9 बजे बाहर निकाला। लेकिन जाते समय एक उस व्यवस्था का हवाला देते हुए कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकती है, ताला लगा दिया। तब से ताला लगा हुआ मकान में पुलिस बैठी हुई है, कोई नोटिस नहीं है, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है कि ताला किससे लगा है, न कोई वो हुआ, खाली मतलब उन दबाव के कारण प्रशासन कुछ सुन ले जा रहा है। 12 अगस्त के बाद हम सब लोग सभी अफसर से मिलने गए, कोई प्रशासन हमारी मदद नहीं। यहाँ कितने लोग आ गए थे अंदर? 25 आदमी। अमिता वाजपेयी की नेतृत्व में ये सब हुआ है। और तहसीलदार आए जांच के बहाने, माता पिता को बोला कि जांच करना है, और जांच के बहाने बातचीत हुई और बस उतने में वो हटे और सीधा उन्होंने आदमी अंदर हो गए और ताला लगा दिया। तो आपके घरों में अभी भी ताला लगा है? अभी भी ताला लगा हुआ है, कोई नोटिस नहीं है कानून का, कोई कुछ भी नहीं है और ताला लगा है बस। जिनका मामला है अमिता वाजपेयी जी का, बेहतर तो वो बता पाएंगी, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस भूमि की बात है, जिस जमीन के, जिस मकान की बात जैसे हो रही है, जानकारी जो संज्ञान में आया हमारी, तो यह है कि वो ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट के की जगह है, और उसमें पुजारी जी रहते थे, किराए से रहते थे, और किराएदार को रहने की तो इजाजत है, लेकिन किराएदार किसी को बेचे ये तो कहीं किसी उसमें लॉ में नहीं है कि किराएदार भाई बेच दे किसी को। और लेने वाले भी कैसे हैं कि उनको जानना चाहिए कि ये किराएदार है कि मालिक है, बेचने का तो अधिकार मालिक को होता है। वो क्यों ऐसे कर रही है? आज उनका उनकी वाइफ है अखिलेश यादव की, डिंपल यादव, जिनके पास उनका अच्छा मतलब वो बताती है, उनसे उनके अच्छे रिलेशन है, जिसकी वजह से वो उन्होंने सबको दबा रखा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, ना शासन ना प्रशासन। 3 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं लॉज हमारे। जहां मेरे संज्ञान में ये आया है कि वो जो मालिकाना हक जो है अमिताभ वाजपेयी को, और जिन्होंने बेचा है पुजारी जी ने, वो किराएदार है, ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट और उसका और जिस साहबान ने भी खरीदा है, तो उनको बहुत सोच समझ के देखना चाहिए था, लेना चाहिए था, क्योंकि भाई पैसा उनको खर्च करना था, तो कम से कम उनके कागजात देख लेते कि कैसा क्या है, बस ये मेरे संज्ञान में है। इस प्रकरण में चूंकि एक मकान भरकर विवाद चल रहा है, जिसमें एक तरफ नेवी का अधिकारी है और दूसरी तरफ एक महिला है अमिता वाजपेयी जी, इन दोनों के बीच में उस मकान का डिस्प्यूट चल रहा है। पुलिस ने इसमें 145 सीआरपीसी की रिपोर्ट दिया है, संभवतः 2-1 दिन में इसमें 146 का आदेश हो जाएगा, और 146 में जो भी आदेश होगा उसका हम पालन कराएंगे।